उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू के कठुआ में दुष्कर्म की वारदात ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्मा दिया है। विरोध जताते हुए विश्व विख्यात गुलाबी गैंग ने आज महोबा के तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल और गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम सहित सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई। गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर के साथ सैकड़ों महिलाओं ने जिला प्रशासन और शासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की और सदर तहसीलदार को आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जो उन्नाव और कठुआ में हुआ है लड़की के साथ, जिस लड़की ने अपना मुंह खोला तो उसके बाप को मरवा दिया, उसी को लेके हमने किया है और आगे हम लोग और करते रहेंगे। इस तरह की हमारी राष्ट्रीय कमांडर भी आ जाई हैं, उन्होंने इस बात को लेके किया। हो सकता दो दिन बाद हम लोग कमिश्नर साहब पर भी घेराव करेंगे। ये जो उन्नाव घटना हुई है, ये आए दिन ऐसी घटनाएं रोज होती है। अभी हम 5000 महिलाएं लेके गई थी और ये नेता लोग हमारे गैंग को रोका, पर हमने नहीं रुके और उनको चैलेंज दे के आए जिलाधिकारी को कि अगर ये विधायक आज जेल नहीं जाएगा तो ये पूरा हमारा प्रदर्शन होगा। उन्होंने जेल तो भेजी, अब उसको किस तरह भेजी, इसके लिए हम ठान ली है कि हम सगले हर जिले जिले प्रदर्शन करेंगे और इसकी सख्त कार्रवाई हो और जितने गुर्गे इसके साथ है वो भी जेल जाए और अगर ये किसी को झूठा फंसा रहे वो जेल ना जाए, दोषी जेल जाए। निर्दोष को अगर ये अपने पैसा देके गरीबों को बलि का बकरा बनाए उसमें अच्छे से छानबीन होनी चाहिए। महिलाओं के साथ जो दुराचार की घटनाएं हुई है उससे उसके संबंध में इन लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया। संबोधित ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। महोबा से इनसाइट न्यूज के लिए अब्दुल नादिर की रिपोर्ट।